ये देखो काफ़ी डर चुका है अभी ये, अब ये बच्चा काफ़ी डर चुका है। उसके पाइप के अंदर घुस चुका था, बड़ी मुश्किल से निकाला है इसको। ये तो हथौड़ी से अरे डाला होगा ना, डालते हैं ये इसमें, फिर इन्होंने सीमेंट फिट की है। ये देखो घूम रहा है। देखो बच्चे भी तो नीचे, ये है ना, कुछ नहीं है, बस सीमेंट डाली हुई है, वो अटकी हुई है। वो चक्कू वक्कू कुछ निकालने के लिए देना है, सीमेंट निकाल। ये देख बस थोड़ा सा रह गया। अरे तू तो नीचे जा कमीने। लाओ इधर तो, मैं इस तरफ से मारे। ये लग रहा है ना इधर, ए नीचे नहीं बैठा, वो नीचे बैठ रहा, नीचे बैठ, एक साइड से नीचे बैठ रहा। ये देखो इसके अंदर बिल्ली का बच्चा फंसा हुआ है। ये इधर हम लोग जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगे हुए हैं, किसी की जिंदगी बचाने भाई। ये देखो भाई लोगों, रेस्क्यू ऑपरेशन। ये फंसा हुआ है। सुनील अब तक शिवा भाई लगे हुए थे, बस किसी की जिंदगी। ए आए सुलो 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 सुलो, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा एक झटका आया हो। अब वो जंबल खोल के लाएगा, ये खाली दिखेगा नहीं उसको। ए उसके मुंह से मत लगा ना, ए मुंह से मत लगा, उधर जहाँ तो इसने लगा वहीं लगा, वो मर मर जाए। या ले ठोक अब मैं यार, वो चूड़ी में मार। ये लेके आओ रोड, रोड कौन सा रोड, छोटे डंबल की रोड होती है लोहे वाली भाई। जब मेरा हाथ लगेगा तभी खुलेगा ये, नहीं तो नहीं खुलेगा। इधर आ तो सुनील एक बार, सुनील एक बार इधर आ यार। अबे यार ये बिल्ली भयंकर का। ये देखो काफ़ी डर चुका है अभी ये, अब ये बच्चा काफ़ी डर चुका है। उसके पाइप के अंदर घुस चुका था, बड़ी मुश्किल से निकाला है इसको। और अभी देखिए ये बच्चा अब अपनी माँ के साथ है, ये जो अंदर फंस चुका था, बड़ी मुश्किल से निकाला इसको, 1 घंटे की मेहनत के बाद निकाला गया है। किसी की जान बचाना, आपका टाइम उतना कीमती नहीं है अगर आप किसी की जान बचाते तो। ये देखिए अब ये इसकी माँ है बिल्ली की, और अब कितने खुशी हो रही है देखिए। ये देखिए बहुत खुश है अपनी माँ के साथ आने के लिए। और इसलिए जीवों पर हमेशा दया दिखाइए। मेरा नाम सुनील रावत है, मैं उत्तराखंड से हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल्ली के बच्चे निकालने में हमने 1 घंटे की मेहनत करी थी, तो कृपया आप भी अगर ऐसे कोई, अगर आपके पास कोई संकट में कोई जीव हो तो प्लीज़ उसके, प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी मुसीबत में हो तो प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए। थैंक यू।